नमस्कार, आप देख रहे हैं धासु खबर और मैं हूं आपका दोस्त राजेश कश्यप। आज भारत के साथ साथ पूरे विश्व की नजरें भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर टिकी हुई हैं। भारत का चंद्रयान 3 आज चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने का प्रयास करेगा। भारत के चंद्रयान 3 से पहले यूं तो रूस के लूना 25 को चंद्रमा की सतह पर उतरना था, लेकिन वह इसमें विफल रहा और रूस का लूना 25 मिशन पूरी तरह से फेल हो गया और चंद्रयान 3 से पहले ही क्रैश हो गया। इसके बाद पूरे विश्व की नजरें अब भारत के चंद्रयान 3 पर टिक गई हैं। चंद्रयान 3 से विश्व को बहुत आशाएं हैं और पूरा विश्व आज भारत की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा है। विश्व की आशा भरी नजरों को सफल बनाने के लिए भारत ने यूं तो कई प्रयास कर रखे हैं, लेकिन उसके बाद भी पूरी देश की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। प्रत्येक देशवासी, प्रत्येक गली मोहल्ले में आज प्रार्थनाओं का दौर है और भारत का बच्चा बच्चा चंद्रयान 3 की सफलता के लिए अपनी अपनी दुआएं अपने अपने तरीके से करने में लगा हुआ है। भारत में प्रार्थनाओं का दौर जारी है, भारत में यज्ञ हवन हो रहे हैं, तो वहीं अब भारत के तमाम मस्जिदों में भी दुआओं का दौर शुरू हो गया है। भारत के मुसलमानों ने भी चंद्रयान 3 की सफलता के लिए नमाज के साथ साथ चंद्रयान 3 की सफलता के लिए दुआएं की हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि देश के बच्चे बच्चे के साथ किस प्रकार से भारत और अन्य देशों के मुस्लिम लोगों ने भी प्रार्थनाएं की हैं और दुआएं की हैं। अरे यहाँ तो मस्जिद में दुआएं भी हो रही हैं खूब, और देखिए बारिश के लिए दुआ करी थी इमाम साहब ने, अल्लाह ने रहमत बरसा दी। अब चंद्रयान जो जिसकी आज लैंडिंग है, हम सभी ने दुआ करी है ये सफलता के साथ, कामयाबी के साथ उसकी लैंडिंग हो जाए और जिस मकसद के लिए वो भेजा गया है उस मकसद में कामयाबी मिले, ताकि हमारे भारत देश का नाम रोशन हो और हमारे देश के अंदर भाईचारा कायम हो। क्या नाम आपका? मेरा नाम हबीब अहमद है, मैं एक अंदना सा छोटा सा नमाजी हूँ इस मस्जिद का। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए जहाँ विश्व भर में तब प्रार्थनाएं और दुआओं का दौर जारी है, तो वहीं भारत के बच्चों में भी इसे लेकर के काफी उत्साह नजर आ रहा है। हालांकि सरकार के द्वारा स्कूलों में भी चंद्रयान 3 मिशन को दिखाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्चों का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हरदोई जिले में स्थित डाल सिंह मेमोरियल स्कूल में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए बच्चों ने हवन किया और यज्ञ किया। यज्ञ के माध्यम से इन स्कूली बच्चों ने चंद्रयान 3 की सफलता की मंगल कामना की और प्रार्थना की। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए जहां पूरा देश प्रार्थनाएं कर रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रखर मुस्लिम नेता और अपने बयानों को लेकर पूरे देश में मशहूर आरिफ खान सानू ने भी चंद्रयान 3 के सफल होने की कामना की है। आइए जानते हैं कि आखिर इस मुस्लिम नेता ने क्या कहा है। आज का दिन हम सब भारतीयों के लिए बहुत ही खुशी का और गर्व का दिन है, क्योंकि आज हमारे भारत के संपूर्ण वैज्ञानिकों ने एक ऐसा आविष्कार किया है चंद्रयान 3 के रूप में, जो कि चंद्रमा पर उतरने के लिए कुछ ही देर के बाद तैयार हो गया। मैं संपूर्ण भारत के वैज्ञानिकों को ढेरों बधाइयां शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज का दिन वैज्ञानिक प्रौद्योगिकीकरण में इतिहास में सुनहरे अक्षरों का आज का दिन लिखा जाएगा। एशिया के देशों में भारत एक ऐसा देश है जो आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय लेवल में सबसे नंबर 1 पर होगा। आप देख सकते हैं कि पड़ोस के देश पाकिस्तान में उन्होंने आज तक कोई भी वैज्ञानिक के रूप में कोई भी आविष्कार नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने सदैव आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, अपने आतंकवादी लोगों को देशों में भेजकर वहां पर सिर्फ मारा काटी की है, माहौल खराब करने का काम किया है। और दूसरी तरफ हमारा एक भारत है जो संपूर्ण भारत को एकजुट रखते हुए आज चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर पहुंचा रहा है। मैं भारतीय होने पर मुझे बहुत गर्व है। मैं अपने समस्त भारतवासियों को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और समस्त वैज्ञानिकों को सल्यूट करता हूं कि आज उन्होंने जो आविष्कार करने के लिए एक अपनी तैयारी की थी और जो इसको पूरा करने जा रहे हैं, ये बधाई और प्रशंसा के पात्र हैं। जय हिंद, जय भारत।